हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं कुरकुरी भिंडी। कुरकुरी भिंडी बनाने के लिए हमने लिया है ये 250 ग्राम भिंडी ली है, जिसे हमने अच्छे से वॉश करके कपड़े से ड्राई करके लिया है। ये 3 टेबलस्पून हमने बेसन लिया है, 1 टेबलस्पून हमने राइस फ्लावर लिया है। राइस फ्लावर की जगह आप बारीक वाली सूजी भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऑयल हमें भिंडी को फ्राई करने के लिए लगेगा। 1 टीस्पून हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है। नमक हमें स्वाद अनुसार लगेगा, जो मैंने 1 टीस्पून लिया है। 1/2 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर ली है, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर है, 1/4 टीस्पून अजवाइन है और 1/2 टीस्पून अमचूर है। तो आइए कुरकुरी भिंडी बनाना शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको भिंडी को कैसे काटना है, किस तरह से हमें उसे काटना है वो दिखाती हूँ। ये देखिए, भिंडी ली जिसका मैंने आगे का और पीछे का पोर्शन निकाल दिया और ये इस तरह से मैंने स्पून को पकड़ा है और एकदम हल्के से मैं इसे ऐसे निकालूँगी। ये देखिए, ये पूरा निकल चुका है और अगर समझे थोड़ा सा रह जाता है तो आप वापस से इसे ऐसे निकाल सकते हो। इस तरह से हमें पूरा निकालना है। मैं इसका भी निकाल के दिखाती हूँ आपको। एकदम सिंपल ट्रिक है। चम्मच जो लेना है, जिसे ऐसे आगे ये रहेगा ऐसा लेना है और इस तरह से इसे पकड़ के हमें सिर्फ इसके ऊपर ऐसे हल्के से प्रेस करके निकालना है। ये देखिए, पूरा निकल जाता है। ये देखिए, मैं और एक दो दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरह से पकड़ा है। इसे यहाँ पे रखना है और धीरे से आगे करना है। इस तरह से हम सभी भिंडियों के अंदर के जो बीज है वो निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सभी भिंडियों का बीज निकाल लिया है। बीज पूरा निकल जाना चाहिए। अभी हम इसे ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, यह ऐसे पकड़े के इसके 3 सिर्फ पोर्शन कट करने हैं ऐसे। ये देखिए, इस तरह से हम सभी अभी भिंडी के पीसेस कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये भिंडी को बारीक कट करके लिया है। अभी हम सभी मसाले इसमें ऐड करेंगे। ये मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, आमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, अजवाइन और जीरा पाउडर। सभी मसालों को मैं अच्छे से कोट कर लेती हूँ भिंडी को। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं बाद में हाथ से मिक्स करूँगी इसको, पहले मैं अभी बाकी की चीज़ें इसमें मिक्स कर लेती हूँ। ये मसाला अच्छे से कोट हो गया है। मसाले को हमने अच्छे से कोट करके लिया है। अभी ये 1 टीस्पून में राइस फ्लावर डालती हूँ और 2 टेबलस्पून में 1 टेबलस्पून मैंने राइस फ्लावर डाला है और 2 टेबलस्पून मैंने बेसन डाला है। तो अभी मैं ये अच्छे से हाथ से कोट कर लेती हूँ इसको। अभी हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप स्वादानुसार लीजिए, जो मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। हमने भिंडी में 1 टीस्पून पानी डाला है और इसे अच्छे से मिक्स करके लिया है ताकि जो मसाला हमने बनाया है ये अच्छे से कोट हो जाए। गैस का फ्लेम हमने हाई रखा है। डेढ़ दो मिनट के लिए हम हाई पे इसे फ्राई करेंगे और फिर थोड़ा सा गैस का फ्लेम कम कर लेंगे ताकि भिंडी कुरकुरी बने। देखिए फ्रेंड्स, हमारा भिंडी का कलर कितना अच्छा आया है। और
भिंडी बन चुकी है, हम इसे निकाल लेते हैं। और इस तरह से हमने पूरी सभी भिंडी फ्राई करके ले ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी भिंडी बहुत ही अच्छी बनी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।